कुछ कुछ सामान ऐसी हैं जो बनारस में नहीं मिलते, तो हम लोग उसको स्पेशली बाहर से ऑर्डर करके मंगाया जाता है। बाकी बनारस में कुछ सामान ऐसे हैं जो मिल जाते हैं उचित दामों में, तो उसको भी हम लोग मंगाया जाता है। मेरे कुछ आदमी और बंगाल से आ रहे हैं, 40 आदमी आए हुए हैं, 12-15 आदमी को हमने और बुलाया है काम को तेजी में लाने के लिए। जितने कारीगर आप यहाँ पे यूज करते, क्या लोकल होते हैं या सारे वेस्ट? नहीं, सारे वेस्ट बंगाल से हैं। पर अब कोविड का सिचुएशन अब कंट्रोल में आ चुका है, उसको देखते हुए प्रशासनिक सपोर्ट भी पूरा मिल रहा है हमें, और भीड़ उमड़ने की भी आशंका अच्छी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बनारसी ब्लॉगर। गाइस, आज चूँकि शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है, आज से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं 2022 के, तो उसी के मद्देनज़र आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बनारस में जितने भी पंडाल सजते हैं, जो कि काफ़ी नामी हैं, जैसे हथुआ मार्केट का हो गया, आपको सनातन धर्म का हो गया, मछोदरी का हो गया, उन पंडाल में कितनी तैयारियाँ हो चुकी हैं और कितना काम भी बाकी है, कितने युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, उनकी सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा और आपको इस वीडियो को अपने चैनल के माध्यम से आज आपको दिखाऊंगा। गाइस, तो ज़्यादा देर न करते हुए आपको लेके चलते हैं, शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहां पर किस पंडाल में कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्र का आज प्रथम दिन है माता शैलपुत्री का, और जो है यहीं से जो है नवरात्र शुरू हो गया, 9 दिवसीय नवरात्र, तो अभी कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी तैयारियां बाकी हैं, ये सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा अपने एक छोटे से वीडियो में। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए गाइस, आइए आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो है कहां पर किस पूजा पंडाल में कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी बाकी हैं। लेकिन गाइस, एक चीज़ और, किस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो भाई, और इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि बनारस या बनारस के बाहर से जो भी लोग आते हैं देखने की कि यार दुर्गा पूजा है, बनारस चलना है, बनारस में दुर्गा पूजा का जो है देखना है, पंडाल कितने खूबसूरत सजे हैं, कहाँ सजे हैं, तो सारी जानकारी मैं आज आपको थोड़ा सा इसमें छोटे से वीडियो के माध्यम से देने का जो है प्रयास करूँगा। तो ज़्यादा लेट न करते हुए आइए आपको लेके चलते हैं पंडाल में और दिखाते कितनी तैयारियाँ हो चुकी हैं, कितनी तैयारियाँ अभी बाकी हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए आपको दिखा दें कितनी तैयारियाँ हो चुकी हैं यहाँ पर। जी, मेरा नाम शुभम सेठ गोलू है और मैं प्रीमियर बॉयज़ क्लब का पूजा मंत्री हूँ। भैया, तैयारियाँ यहाँ कैसी चल रही है, क्योंकि आज शादी विवाह का प्रथम दिन था और इसके मद्देनजर देखते हुए तैयारी मेरे ख्याल से शुरू चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है यहाँ का थीम जो है पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू का जो ऐसा कुछ थीम लेके गया, क्या ये सही है, फिर इसलिए भी कुछ संख्या थी? जी बिल्कुल, नेपाल में स्थित भगवान पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है, और वही पशुपतिनाथ जी का जो हम लोग मंदिर इस बार यहाँ बनवा रहे हैं, और हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम भी होना है, मूर्तियाँ भी देखी जाएंगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी देखे जाएंगे,
और बंगाली जो कि हमारे यहाँ से बेस्ट बंगाल से कारीगर आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं आपके यहाँ कारीगर, और भारी संख्या में कारीगर आके हमारे यहाँ काम भी करते हैं। और पंडाल के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, जो हिसाब से वर्तमान समय में कोरोना काल को लेकर और शासन प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है उसके तहत उसके नियम को भी हम लोग पूरा पूरा फॉलो करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जनता को भी बार बार मैसेज किया जाएगा और पंडाल को नियमित रूप से सैनिटाइज भी कराया जाएगा। तो यहाँ पर अभी तैयारियाँ ये कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा अभी आपको? अभी देखिए हमारे यहाँ चूँकि तैयारी तो हमारे यहाँ करीब 1.5 महीना पहले से ही शुरू हो जाता है और ये तैयारी अब नवरात्र में दुगनी तेज़ी से और चल रही है। तो जहाँ तक हमें पूरा अनुमान है और हमारे कारीगरों के द्वारा जो बताया गया है कि ये तैयारी सप्तमी तक ये सुबह तक कम्प्लीट होकर अपने भव्य रूप में खड़ा हो जाएगा। अच्छा, जो पंडाल का सामान है कि आपका क्या वेस्ट बंगाल से इंपोर्ट किया था पर यहाँ के लोकल जो है कोई टेंट कुछ सामानें ऐसी हैं जो बनारस में नहीं मिलते तो हम लोग उसको स्पेशली बाहर से ऑर्डर करके मंगाया जाता है। बाकी बनारस में कुछ सामान ऐसे हैं जो मिल जाते हैं उचित दामों में तो उसको भी हम लोग मंगाया जाता है। नमस्कार भैया। नमस्कार। ये आपका नाम? महेंद्र अरोड़ा। ये आपका इस पदाधिकारी में मतलब क्या? सांस्कृतिक विभाग देखता हूँ मैं यहाँ का, और बाकी अन्य विभाग भी इसमें। क्या लग रहा है तैयारी में कब तक कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि अब शादी नवरात्र का प्रथम दिन आज था और ये हो गया, जो लोग बेसिकली जो भीड़ जुड़ती है सप्तमी अष्टमी में 3 दिन अधिकांश भीड़ जुड़ती है। नहीं नहीं, ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा पंडाल है, यहाँ पे जो संख्या आती है जन समुदाय जो आता है उसकी पूरी सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूरा व्यवस्था यहाँ करते हैं और प्रशासनिक सहयोग भी पूरा मिलता है हम लोगों को। और विजयादशमी के दिन में स्पेशली हम लोग थोड़ी भीड़ कम होने की संभावना को देखते हुए विजयादशमी के दिन में हम लोग यहाँ पे लोकल कलाकारों के द्वारा, उदयमान कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन कराते हैं, जिससे कि उनसे बहुत उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है और वो चाहते भी हैं कि इतने बड़े पंडाल में इतने बड़े जगह पे अपना कार्यक्रम दें तो ताकि और जगह भी उनका और प्रोत्साहन मिले उनको। तो कोरोना काल अभी तक था उसकी वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं जुड़ रही थी, इस बार हाँ क्या लग रहा है क्या नहीं नहीं इस बार तो होने वाली या फिर ऐसे ही कुछ रहेगा? नहीं नहीं, इस बार तो भीड़ को बहुत बहुत भयानक भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं उमड़ रही थी क्योंकि दो साल का जो जिन लोग प्रतिबंधित थी जिन भक्तों को 2 वर्षों का इंतजार था वो हम भी महसूस कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमने इंतजाम कर रखा है और भारी संख्या में भीड़ होगी। मैंने अरे तैयारियां सारी हैं और प्रशासनिक व्यवस्था भी हमारी सब है और सारा सहयोग भी हमको प्राप्त है, प्रशासन से सहयोग भी मिलेगा, एकदम पूरा मिलता है सहयोग, हम उनके वो हमारे हैं। आप और कुछ कहना चाहेंगे भैया? बस यही है कि एक पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर बन रहा है बाबा विश्वनाथ की नगरी में और जो भी कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं, सद्भावना है, संदेश जाए और भक्तों को इससे प्रेरणा मिले और हमारा सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को और बढ़ावा मिले इस चीज़ को देखते हुए। धन्यवाद। गाइस अभी मैं आपको लेके आया हूँ नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में और यहाँ पर जो पूजा पंडाल बन रहा है वो जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जी है उसी को थीम को लेकर के जो है यहाँ का पूजा पंडाल सजाया जा रहा है, यहाँ का दरबार माता का सजाया जा रहा है।
टेम्पल जैसे हो। मैं सूरज जायसवाल, श्री दुर्गा पूजा समिति सनातन धर्म इंटर कॉलेज कार्यवाहक अध्यक्ष। भैया इस बार की तैयारियाँ कैसी लग रही है आपको? जो रुके हैं अभी, क्योंकि अभी आपका पूजा पंडाल का जो है तैयारियाँ पूरी नहीं हुई है, क्योंकि शादी नवाद का प्रथम दिन हो चुका है, तो आपको क्या लग रहा है कब तक तैयारियाँ पूरी हो जाएंगी? मेरी 1 तारीख तक पूरी तैयारी फाइनल हो जाएगी। मेरे कुछ आदमी और बंगाल से आ रहे हैं, 40 आदमी आए हुए हैं, 12-15 आदमी को हमने और बुलाया है काम को तेजी में लाने के लिए। जितने कारीगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या लोकल होते हैं या सारे वेस्ट बंगाल? सारे वेस्ट बंगाल से हैं। सारे वेस्ट बंगाल से आते हैं। अच्छा, और एक चीज़ है भैया की जो है कोविड के दौरान जो है दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं उमड़ी थी पिछले दौरान से, इस बार आपको क्या लग रहा है कि दर्शनार्थियों की भीड़ जो है उमड़ने वाली है, दूर दूर से आने वाली है, या फिर वैसे ही जो है आपको इस बार भी ऐसा लग रहा है? इस बार बहुत ही ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है, क्योंकि हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने लोग आ रहे हैं, सेम टू सेम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हम अपने पूजा पंडाल में भी बना रहे हैं। तो इस बार जो है दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ने वाली है, तो उसके मद्देनजर सारे प्रबंध आपको प्रशासनिक सहायता मिली या फिर सब चीज़ आपने? हम लोग अपनी सहायता किए हुए हैं, अपने सुरक्षा हम लोग अपनी खुद किए हैं। अभी प्रशासन के तरफ से वो मेले में ड्यूटी लगती है उनकी, लेकिन बाकी सुविधा हम लोग अपना खुद किए हैं। सुरक्षा आप लोग भी अपने तरफ से जो है जी रखते हैं? हमने 6 CC कैमरे लगवाए हैं, पानी बालू सीज फायर आग की सारी व्यवस्था हमने बना रखी है। गाइस, अभी हमने बात करा है आपको सूरज भैया से, जो कि सूरज जायसवाल जी थे जो कि यहाँ पे मंत्री जी हैं, उनसे अभी हमने बात कराया, और अभी आपको यहाँ से सीधे लिए चलते हैं आपको अन्य जगह जहाँ पे बताते हैं कि अभी आगे की तैयारियाँ क्या है। अभी सारी तैयारियाँ हो रही है, सजावट हो रही है। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए। कई सामने अभी हमारे देख रहे हैं, ये मैं मच्छुद्री पे मौजूद है, मच्छुद्री का दुर्गा पूजा का पंडाल मैं आपको दिखाना है कि यहाँ पर नाम। मेरा नाम अमन यादव है, मैं बाबा मच्छुद्रीनाथ दुर्गोत्सव समिति का सदस्य हूँ। तो इस बार भैया जो मच्छुद्री में जो पंडाल पूजा का पंडाल है, उसका थीम क्या है और इस बार की क्या तैयारियाँ हैं? इस बार गुजरात का हनुमान मंदिर बनाया जा रहा है जो सारंगपुर में स्थित है। इस बार मेन गेट का मेन रूप सारंगपुर का हनुमान मंदिर दिया जा रहा है। सबको क्या लग रहा है भैया, जो पिछले साल जो 2 साल से कोरोना का जो पूरा समय चल रहा था, इसके वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी लगे थे, इस दफा आपको क्या लग रहा है, दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ने की आशंका है या फिर ऐसे ही जो है कोविड दौरान जो है सारे जो है नियम कानून थे वो ऐसे ही चलेंगे, भीड़ कम उमड़ेगी, क्या आपको लग रहा है? देखिए, जिस हिसाब से 2 साल कोविड था, कोविड का सिचुएशन था, उसमें भीड़ कम थी, पर अब कोविड का सिचुएशन अब कंट्रोल में आ चुका है, उसको देखते हुए प्रशासनिक सपोर्ट भी पूरा मिल रहा है हमें, और भीड़ उमड़ने की भी आशंका अच्छी है। तो आपके उसके मद्देनजर आपकी तैयारियां क्या, क्या आपको प्रशासनिक सहयोग भी मिलता है? प्रशासनिक सहयोग भी मिल रहा है हमें, हमारा CCTV कैमरा भी है हमारे तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है, और फायर ब्रिगेड का भी वो बसेस लगाई जाएंगी, सारी सुरक्षा को देखते हुए काम किया जा रहा है। मतलब सारी तैयारियां आपको पूरी है, अभी आपका पंडाल का कितना प्रतिशत काम हो चुका है, क्योंकि शादी नवरात्र शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आज प्रथम वर्ष प्रथम नवरात्रि का पहला दिन है, और आज का हमारे यहाँ पंचमी से यहाँ पे दुर्गा पूजा बैठती है, अभी 4 दिन का टाइम है, और हमारे यहाँ 75% काम हो चुका है, 25% सिर्फ फिनिशिंग का काम बचा हुआ है, जो भी लगे हुए कार्य में लोग लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब आपका जो है ये पंचमी से आपका जो है तैयारी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, जब उसके बाद से जो है भक्त दर्शन जो है पूजा पंचमी से जी दर्शन कर सकते जी। थैंक यू भैया हमारे चैनल से बात करने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महादेव मीडिया।